Hi students. So today we are to start away with the first lecture that is there on our cost sheet ka problems. आप लोग का इससे पहले three theory lectures हो चुका है. The theory lecture would have given you a crude estimate कि हम लोग क्या करने वाले हैं. अभी उस चीज को practical के अंदर convert करने का time आ गया है. So let's start away with the practical part now of the problems. ठीक है? अभी presentation अपना हमेशा थोड़ा सा अच्छा रखेंगे. कैसे? आप लोगों को जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इन कॉस्टिंग ये चीज ये फाइनल के लिए भी ट्रू है हमेशा यू गेट मार्क्स फॉर सॉल्विंग द रिक्वायर्ड पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट के अंदर कुछ है आप लोगों ने कुछ और आंसर किया प्लीज मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना ये मत बोलना सर स्टेप्स के तो मार्क्स दे दो ऐसा कुछ नहीं होता है ओके रिक्वायर्ड पार्ट इज द मेन पार्ट यू हैव टू बी आंसरिंग द रिक्वायर्ड पार्ट ठीक है हमेशा क्या करना चाहिए दिस इज अ एप काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन दैट यू ऑल शुड हैव जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है वो वाला चीज तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए और उसके बाद सारे के सारे वर्किंग नोट्स होने चाहिए हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का भी अकाउंट्स भी है तो भी वैसे एफएम है तो भी वैसे कॉस्टिंग है तो भी वैसे ओके यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर तुम्हारे वर्किंग नोट सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए ठीक है इस चीज से हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर वन है वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन लेट्स रीड फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ अ कंपनी मैन्यूफेक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स तो एक ही प्रोडक्ट है सिंगल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स रूपीज परचेज ऑफ रॉ मटीरियल फोर्टी एट थाउजेंड डायरेक्ट वेजेस फोर्टी थाउजेंड वर्कस ऑन कॉस्ट फैक्ट्री ओवर हेड वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड होता है ठीक है याद रखना वर्क ऑन कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स वर्क कॉस्ट का मतलब हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेज सब इंक्लूड करके अपने को वर्क कॉस्ट मिलता है सो दिस इज नॉट वर्क कॉस्ट दिस इज वर्क ऑन कॉस्ट पहला वाला क्वेश्चन है मैंने उसका करेक्ट नाम भी लिख के वो रखा हुआ है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेज देखो आगे क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अपना दो टाइप का होता है एक ऊपर आता है एक नीचे आता है दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो मेरे को जरा बोलो इन दिस केस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये वाला चीज किधर आएगा आएगा ऊपर कि नीचे आएगा ऊपर आ जाएगा आगे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट टैक्स ये तुम्हारा रेवेन्यू हो जाएगा ठीक है उसके बाद स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डब्ल्यू आई पी ऑफ फिनिश गुद सिक्सटीन हंड्रेड क्विंटल ठीक है फिनिश गुड्स का किधर भी क्वांटिटी आएगा ना हम लोग उसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि मेरे को के अंदर ना ये सब चीजों की शुरू में ज़रूरत तो स्टॉक्स तो जो है, ये हो जाएंगे, है? WIP, goods, 3, आगे ऑफ़ एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज पर पर क्विंटल, डिस्काउंट अलाउड भी होता है या सेलिंग भी होता है ये सब चीजें जो है एस एनडी का पार्ट होता है ड्यूरिंग दर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्विंटल ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड ठीक है एक्स तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट है मैंने तुमको मैं क्या बोला फिनिश का जिधर भी जो भी क्वांटिटी होएगा ना वो अंडरलाइन करके रख लेना एंड ऑनेस्टली तुम लोग को चार क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है जो मैंने लेक्चर नंबर टू के अंदर एंड के अंदर बोला था और ये चार क्वांटिटीज जो है ये कौन सी होती ओपनिंग स्टॉक स्टॉक ऑफ ऑफ फिनिश फिनिश का quantity, का क्वांटिटी 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 क्लोजिंग और क्वांटिटी सोल्ड ये चारों के अंदर से अपने पास एक भी नहीं होता है इन दैट केस आप लोग दिमाग के अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के सोच सकते हो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा ठीक है आगे रिक्वायर्ड प्रिपेयर कॉस्टशीट ऑब्वियसली विलीपेयर कॉस्टशीट फॉर वन ईयर क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक साल का फर्क था ऑल्सो शो वैल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ कंपनी एक चीज हमेशा याद रखना अनलेस रंटिलो वी विल ऑलवेज फॉलो फीफो मैथड फॉर वैल्युएशन कोई और मैथड अगर सम बोलेगा फिर हम लोग दिखा देंगे ठीक है तो जब भी शुरू में हम लोग कॉस्टशीट प्रिपेयर करेंगे ना वी विल फॉलो फीफो मैथड ठीक है एंड देन वी विल ट्राई टू शो दीज टू थिंग्स ऑल्सो ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट, ठीक है हमेशा हर एक न्यू क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स के अंदर भी हैबिट डाला करो न्यू पेज के ऊपर ही स्टार्ट करना ताकि एग्जाम्स के अंदर भी वही वाली हैबिट रहे ठीक है तो लेट स्टार्ट दिस इज आर क्वेश्चन नंबर वन राइट डाउन प्लीज तो क्वेश्चन नंबर वन अगर कभी कंपनी का नाम लिखा होता है तो लिख सकते हो इन दी बुक्स ऑफ ठीक है नहीं लिखा हुआ तो जाने दो फिर दैट्स ओके उसके बाद इन दिस केस हेडिंग दे देते हैं लिखिए अपने क्वेश्चनशीट प्रिपेयर करना है ना शीट फॉर दर इंडेड अच्छा इन लोगों का साल कभी खत्म हो रहा था क्वेश्चन जरा चेक करो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अच्छा एक सेकेंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट बिकॉज देर आर टू पार्ट सो आई विल लेबल दे मैसेज क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन अच्छा जब आप क्वेश्चित स्टार्ट करते हो तो राइट डाउन दीज टू थिंग्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स अगर कभी तुमको प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है तो फिनिश गुड्स के साथ प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो यहां पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है बेटा एक्स ठीक है तो यहां पे लिख सकते हो दैट इज एक्स और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे लिखना क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज एक्स ठीक है अभी उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे नंबर्स अभी तक वो डालना बाकी है तो लिखिए पर्टिकुलर्स उसके बाद एक टोटल का कॉलम आ जाएगा और एक पर यूनिट का कॉलम आ जाएगा ट्राई करना अगर क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे सारे के सारे स्टॉक्स वगैरह होंगे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे एक साइड तक का कॉशिट यू ऑल कैन मेक ओके थोड़ा सा लाइंस एक्स्ट्रा वो बच जाता है बट दैट इज ऑल फाइन वी ऑल कैन बी टेकिंग दैट मच अट ऑफ केयर सो दैट्स फाइन ठीक है तो अपना रूलिंग कीजिए प्लीज Ruler se lines, Marneka. You can also enroll for our other subjects of CA Foundation. CA Inter. CA final By visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com For any help call 808-032-4444 चल जॉब डन शीट अभी यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वी हैव टू बी डूइंग आर शीट राइट ओके तो शीट स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ती है कौन सी दो चीजों की सर क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड देखो क्वेश्चन के अंदर एक मिनट क्वांटिटी प्रोड्यूस किसका फिनिश गुड्स का क्वांटिटी सोल्ड किसका फिनिश गुड्स का तो फिनिश गुड्स का क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वेश्चन के अंदर लास्ट टाइम पे था ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्विंटल ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड ठीक है तो यहां पर आइए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्विंटल अगर यूनिट दिया रहता है लाइक क्विंटल्स वगैरह तो लिख दिया करो अगर कभी नहीं दिया हो यू कैन सिंपली राइट ऑन है अगर क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है तो फिर क्या करें यार तो क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो फिर निकाल लेंगे आप लोग नेक्स्ट पेज पर जाना नेक्स्ट पेज पे प्लीज लिखिए वर्किंग नोट्स चलिए वर्किंग नोट्स के अंदर यहां पे लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट वन अपने पास क्वांटिटी प्रोड्यूस था क्या नहीं था क्वांटिटी सोल्ड तो यहां पे लिखिए क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है अच्छा अभी ये वाला चीज आप लोग नहीं लिख रहे हो दिमाग के अंदर सोच रहे हो बस यू आर नॉट राइटिंग वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ ठीक है तो अगर कभी भी कोई मिसिंग फिगर होता है तो मैं तुमको पिछले लेक्चर के ना क्या बोला था कि भाई एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना क्वांटिटी कितना है उसके बाद कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स वो वाला चीज इतना शुरू में था इतना और बना लिया इसके अंदर से कुछ ना कुछ बेच दिया होगा तो यहां पे लिख देता हूं बाय क्वांटिटी सोल्ड और उसके बाद यहां पे लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली फिनिश गुड्स ठीक है तो ये चार चीजें ये चार चीजों के अंदर से आप लोगों को हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर तीन तो दिया रहेगा तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अभी अभी लिखा बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्विंटल ठीक है ये फॉर सम रीजन थोड़ा सा ना मैं लेफ्ट हैंड साइड पर वो लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को एंड के अंदर तुमको इसी अकाउंट के अंदर कुछ और भी बताना है लेकिन वो एंड में आएगा क्वांटिटी प्रोड्यूस ठीक है फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक जो यहां पे है कितने का था 1600 हंड्रेड क्विंटल्स तो यहां पर 1600 हंड्रेड क्विंटल फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने क्विंटल्स का है थ्री सो थ्री ठीक है बस अपना काम यहां पर वो हो गया तो एक बार जरा कैलसी लो या फिर वो ओरली भी कर सकते हो बेटा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस थर्टी टू हंड्रेड कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है बस दिस इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड दैट इज योर क्वांटिटी सोल्ड ओके अब बराबर से सुनो <coughs> अभी यही ट्वेंटी फोर थाउजेंड हम लोग को कैसे मिला है अगर अपना ये वाला टी फॉर्मेट वो देखोगे दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस जब अपना वर्किंग नोट बनाते हो तब वैसे बनाना ठीक है तो हमें वर्किंग नोट वो बना रहा हूं जो आपको मेरे साथ वो लिखना है ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर अभी जरा लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग फिनिश गुड्स को एग्जाम के अंदर भी एफ जी करके लिखोगे इट इज ऑल फाइन दिस इज सिक्सटीन हंड्रेड प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और फिनिश गुड्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अपने को 24,000 कैसे मिला था बेटा दिस प्लस दिस माइनस दिस तो अभी लिख रहा हूं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,200 तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है ये वाला चीज आप लोग कॉपी नहीं कर रहे हो ठीक है तो कॉशिट में वापस आपने को यहां पे क्वांटिटी सोल्ड भी जो है वो मिल गया क्वांटिटी सोल्ड ठीक है चल, तो अभी इस चीज से हम लोग स्टार्ट अभी वो कर लेते हैं वी हैव द बेसिक थिंग ये वाला चीज मैं रब आउट कर रहा हूं लेट स्टार्ट अवे विद कौशिट फॉर मैट ओके तो एटलीस्ट इस चैप्टर के अंदर वट एवर क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोगों ने कौशिक भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ही किया हुआ है ओके okay, तो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहला चीज तुम्हारी क्वेश्चन के अंदर क्या आता है एवरीबडी नोज दैट यार तो लिखिए डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड आगे डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड अपने को कैसे मिल जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली ऑफ रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल वो लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग डायरेक्ट मटेरियल के हेडिंग के अंदर ही है ना तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद एड परचेजेस उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है चलो तो अभी क्वेश्चन पर आइए आपका ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपीज का दिया हुआ है एट थाउजेंड अपने को भी रुपीज की जरूरत है बेटा तो यहां पर आप लोग इनर कॉलम में लिख लेना उसके बाद परचेजेस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इधर है फोर्टी एट थाउजेंड का तो वो भी लिख ही लेते हैं तो दिस इज फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखना रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल ही होता है तो वो वाला चीज यहां पे कितना है 6,800 तो यहां पे 6,800 ये वाली चीज को सब करेंगे फोर्टी uh, 49200 ठीक है चल ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूमड उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अपना नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हो डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हो जो भी आपका मन हो यू ऑल कैन बी राइटिंग क्वेश्चन के अंदर जाएंगे यहां पर डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस कितने रुपीज का है बॉस फोर्टी थाउजेंड तो यहां पे लिख लीजिए फोर्टी थाउजेंड ये हो गया डायरेक्ट लेबर मेरे ख्याल से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं तो जाने दो उसके बाद आ जाता है क्या प्राइम कॉस्ट ठीक है तो यहां पे लिख लेते हैं प्राइम कॉस्ट एग्जाम्स के अंदर डेकोरेशन कोई और कलर पेन वगैरह से नहीं करने का प्लीज ओके

फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर इस क्वेश्चन के ना किस नाम से दिया हुआ था वर्क ऑन कॉस्ट तो वर्क ऑन कॉस्ट यहां पर कितने का है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहां पर लिख लीजिए सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड दिस विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एडअप जरा करना ये वाला चीज उजेंड ठीक से वन लैख सिक्स थाउजेंड ठीक है चलो सुन अभी तक हम लोगों ने चार चीजें लिख ली हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था फैक्ट्री ओवर ठीक है सो दीस थिंग्स रिटर्न एज सच ठीक है इन ऑल हम लोगों ने यहां पे दो और टोटल्स भी किए एक को प्राइम कॉस्ट बोल दिया और एक को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोल दिया अभी आगे स्टार्ट करते हैं यार पर यूनिट भी तो चाहिए अभी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ that दैट all ऑल learned यहां तक सारे के सारे आपके खर्चे होते हैं किस चीज के लिए आपके सारे के सारे खर्चे होते हैं किस चीज के लिए सर सारे के सारे खर्चे होते हैं फॉर डूइंग टू थिंग्स विच टू थिंग्स सारे के सारे खर्चे होते हैं फॉर डूइंग टू थिंग्स विच टू थिंग्स क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस याद करो मटीरियल इज नॉट ओनली कंज्यूम फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स इट इज ऑल्सो कंज्यूम फॉर मेकिंग डब्ल्यू आई पी इट इज ऑल्सो कंज्यूम फॉर मेकिंग डब्ल्यू आई पी ठीक है तो जरा याद करो एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेड अपॉन विच क्वांटिटी डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इन फैक्ट्री ओवर हेड एवरीथिंग टिल नाउ अभी तक मैंने ना वो सारे के सारे खर्चे लिखे हैं जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं ठीक है और फैक्ट्री के ना आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो आप लोग मैन्युफैक्चर क्या करते हो सर दो चीज हम लोग फिनिश गुड्स भी तो बनाते हैं डब्लू भी तो बनाते हैं डब्ल्यू आधा बनाया बनाया तो सही ना यार तो ये सारी की सारी चीजों का आपको पर यूनिट लिखने का है अभी पर यूनिट लिखने के लिए पर यूनिट लिखने का है तो मेरे को कोई क्वांटिटी की जरूरत है ये तो टोटल कॉस्ट है तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिलेगा डिवाइड बाय द क्वांटिटी विच क्वांटिटी टू टेक

क्योंकि मेरे पास यहां पर डब्ल्यू का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ ठीक है तो आप एक काम जरा करो या आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट इज ऑल फाइन यहां पर ना हर जगह पर आप एक क्वेश्चन मार्क डाल के रखो ठीक है और यहां पर हर एक जगह पे आप लोग एक और चीज जरा वो लिख के रखना यहां पे हर एक जगह पे लिख के रखो वर्किंग नोट टू और अभी आप लोग वर्किंग नोट टू पर आओ लिखिए वर्किंग नोट टू राइट एज डब्ल्यू आई पी क्वांटिटी इज नॉट गिवन सम कैन ए डब्ल्यू आई पी स्टॉक तो है अपने को मालूम है यार लेकिन अपने पास उसका क्वांटिटीज नहीं है ठीक है तो अभी हम लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू निकाल ही नहीं सकते अगर नहीं निकाल सकते फिर आप छोड़ दो ठीक है वी कैन नॉट फाइंड पर यूनिट ऑफ दी ठीक है अभी कोई ऐसा बोल सकते है, सर, के ये नोट लिखो लिखो चलिए क्वांटिटी दिया जाएगा क्या ऑनेस्टली इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया जाएगा ठीक है हम लोग एक चैप्टर बाद में करेंगे कॉल्ड एस प्रोसेस कॉस्टिंग तब दिया जाएगा तभी तुमको मैं सिखा दूंगा हाउ द थिंग्स आर डन ओके क्योंकि डब्ल्यू आई पी क्वांटिटी जब भी वो दिया रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को एडजस्ट करना पड़ता है और फिर अपने को वो वाली क्वान्टिटीज यूज करनी पड़ती हैं ठीक है तो अभी के लिए नथिंग टू बी थिंकिंग ऑफ इस चैप्टर के अंदर दैट थिंग विल नॉट बी गिवन ठीक है सो डोंट वरी अभी आगे चल लेते हैं अभी ये वाला काम तुम्हारा हो गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मार्क अगर नहीं डालने का है तो मत डालना उधर लिखना ही मत ठीक है चलो अभी आगे अभी आगे यहां पर क्या आ जाता है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ठीक है उसके बाद आ जाता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ठीक है तो यही करते हैं यार अभी एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी जरा देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी कितने का था बेटा वन नाइन टू जीरो वन नाइन टू जीरो ठीक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी कितने का था सिक्स फोर जीरो जीरो सिक्स फोर जीरो जीरो पर यूनिट के लिए क्या करें देखो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ऑन द फर्स्ट डे दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट डे अभी इसका पर यूनिट निकालने के लिए हाउ विल आई एवर डिवाइड इन माई लाइफ बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स और क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड ऑफ गुड्स हाउ विल आई बेटा प्रोड्यूस पूरे साल का का होता है ओके ये तो स्टॉक फर्स्ट डे क्वानिटी का क्वांटिटीज होगा एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को अगर दिया रहता ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्लू पी है फिर आप उस वन नाइन की क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके आप लोग पर यूनिट निकाल लेते लेकिन अभी दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि का क्वांटिटीज अपने पास नहीं है तो आप यहां पे क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हो आप यहां पे डैश भी डाल सकते हो जो तुम्हारी मर्जी है यू ऑल कैन बी डूइंग दैट ओके ओके सो आई एम पुटिंग से क्वेश्चन मार्क ये वाला काम तुम्हारा हो गया बस इसके बाद तुम लोग को स्ट्राइक होएगा सर वी कैन डू मेनी थिंग्स मोर नाउ सर चलिए अभी पहले यहां पर फाइनल चीज तो लिखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट अपना कैल लीजिए वन लाख सिक्स थाउजेंड प्लस वन नाइन टू जीरो लेस सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड या आ जाता है वन जीरो वन फाइव टू जीरो अच्छा सुनो यहां से यहां से स्टार्ट योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वास्टशीट हम लोगों ने इस कॉस्ट शीट को सेकेंड पार्ट क्यों बोला था इस पार्ट को हम लोगों ने सेकेंड पार्ट क्यों बोला था क्योंकि यहां के बाद ना जो भी मैंने डब्ल्यू के ऊपर खर्चा किया वो सारा का सारा ऊपर चला गया तो ये वाला जो खर्चा अपना आया दिस इज ओनली फॉर मेकिंग सब लोग बोलो दिस इज ओनली फॉर मेकिंग दिस इज ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स दिस इज ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स तो इसका पर यूनिट वैसे भी निकालने के लिए अपने को सिर्फ कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड कर लेना चाहिए क्वांटिटी प्रोड्यूस तो बेटा अपने पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स तो है याद रखना यहां तक एवरीथिंग इज इन कड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू लेकिन डब्ल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल दिया जितना भी खर्चा डब्ल्यू के ऊपर हुआ हम लोगों ने यहां से निकाल दिया तो ऑब्वियसली बच कौन सा खर्चा गया बच वो वाला खर्चा गया बच वो वाला खर्चा गया इन दिस पर्टिकुलर केस विच इज इनकर्ड फॉर ओनली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स तो 101520 का पर यूनिट तो बेटा हम लोग निकाल ही सकते हैं अपना कैल्सिलो 101520 ऑलरेडी कैल्सी के ऊपर होगा डिवाइड बाय ऊपर जरा चेक करो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितने का था 25600 तो एक बार जरा डिवाइड बाय 25600 करो 3. आप लोग ब्लैक पेन में लिखो 3.9 सिक्स फाइव सिक्स टू फाइव ये फर्स्ट क्वेश्चन है be taking complete decimals. Next time, हर question के ना अगर लंबे डेसिमल्स के अंदर आए आप लोग दो डेसिमल तक ले सकते हो ठीक है अच्छा एक सेकेंड मे को अभी जरा बोलो हम लोगों ने ये वाली फिगर हम लोग क्यों निकाल सकते थे ये वाली फिगर हम लोग क्यों निकाल सकते थे क्योंकि ये वाली फिगर निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही क्वांटिटी चाहिए कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स वो तो है ना हमारे पास लेकिन अपने को ये वाले पर यूनिट निकालने के लिए ये वाले पर यूनिट निकालने के लिए अपने को कौन सी क्वांटिटी चाहिए थी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू आईपी लेकिन डब्ल्यू आईपी का क्वांटिटी तो था ही नहीं हमारे पास इसलिए हम लोग वो वाले पर यूनिट नहीं निकाल सकते थे ठीक है चलिए ये वाला तुम्हारा काम हो गया अभी आगे चल रहे हैं हम लोग उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री उसको इंस्टीट्यूट डायरेक्टली क्या बोल देता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो क्वेश्चन के कहना जरा चेक करो 3200 अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन बिकॉज इसका पर निकालने के लिए अपने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वानिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करना पड़ता है कि सिर्फ क्वानिटी गुड्स सिर्फ आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश एंड नथिंग एल्स तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अपने कैल से ऊपर लो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स वो तो हमारे पास है दिस इज जीरो पॉइंट वन टू फाइव ठीक है अच्छा अभी नेक्स्ट चीज मेरे साथ ही करना सुनो जरा ध्यान से दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुको 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 इसके ना ब्रैकेट के अंदर एक चीज हमेशा लिखा करो जो मैं तुमको फॉर्मेट के अंदर नहीं दिखाया था मेरे को हर एक चीज फॉर्मेट के अंदर नहीं सिखाना था लेकिन सुनो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाउ ऑब्वियसली दिस इज द कॉस्ट ऑफ सब लोग मेरे को जरा बोलना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस डब्ल्यू आईपी की ओनली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ डब्लू आईपी तो ऊपर छूट गया ना यार मैं कितनी बार बोलू अभी तो ये वाला जो फिगर है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्विंटल क्वांटिटी ना इधर लिखा करो ठीक है लिखो और उसके बाद एड करो वन जीरो वन फाइव टू जीरो प्लस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड वन जीरो फोर सेवन टू जीरो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर पॉइंट जीरो नाइन जीरो सिक्स टू फाइव आप लोग इसको और इसको ऐड कर दोगे ना तो भी यही वाला आंसर आने वाला है बेटा ठीक है ये दोनों को ऐड कर दोगे तो भी यही वाला आंसर आने वाला है ठीक है या फिर इसको फिर से ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड से डिवाइड कर लेना ठीक है चलो तुम्हारा जो ये वाला काम है ये हो गया ठीक है अभी आगे ध्यान से सुन इतना काम अपना हो गया एड जरा याद करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बेटा क्या एड होता है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी ठीक है अच्छा इनका क्वांटिटीज हमारे पास है बेटा हम लोगों ने वो वाला क्वांटिटीज यूज भी तो किया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1600 क्विंटल्स था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3200 क्विंटल्स था तो यहां पर आओ 1600 क्विंटल्स 3200 क्विंटल्स अच्छा सुनो अभी ये तो हो गया क्वांटिटी के बारे में बात लेकिन बेटा यहां पर इन कॉलम्स के अंदर तो कॉस्ट ही आता है तो अपने को तो कॉस्ट लिखना पड़ेगा तो 1600 सो क्विंटल जो अपना ओपनिंग स्टॉक था देखो वो वाला इंफॉर्मेशन एक सेकेंड मैं अभी यहां पर जो भी मार्क किया था वो रब कर रहा हूं तो यहां पर अब जरा चेक करो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर था ठीक है सिक्सटीन हंड्रेड

उजेंड फोर हंड्रेड इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी क्विंटल सिक्सटीन हंड्रेड तो पर यूनिट निकालने के लिए उसको इसी से डिवाइड करो ओके अभी यह जो मैं लिख रहा हूं दिस इज इंफॉर्मेशन फोर पॉइंट जीरो जीरो सिक्सटी फोर हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन हंड्रेड दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट फिगर इज दट क्लियर टू एवरीबडी अच्छा कई बुक्स ये वाला फिगर लिखता भी नहीं है दैट इज ऑल ओके अगर तुम लोगों को नहीं लिखने का तो चल जाएगा बट वेर एवर पॉसिबल आई प्रेफर टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है आगे तो एक बार मैं कई चीजों का रिकेप कर रहा हूं ये सब का पर यूनिट निकालने के लिए मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू की जरूरत पड़ती है लेकिन मेरे पास डब्ल्यू आईपी का क्वांटिटीज तो नहीं था तो हम लोगों ने पर यूनिट नहीं निकाल पाए नोट लिख दिया ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू ये उसका कॉस्ट है इनका पर यूनिट निकालने के लिए तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी की क्वांटिटीज होनी चाहिए वो नहीं है यार हमारे पास ठीक है जाने दो लेकिन 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 यहां ऑनवर्ड्स वर्ड्स डब्ल्यू आई पी तो पीछे रह गया यहां ऑन स्टिल हियर मेरे को पर यूनिट निकालने के लिए कौन सी क्वांटिटी ज़रूरत पड़ती है तो क्वांटिटी गुड्स की क्वांटिटी की जरूरत है वो तो है ना अपने पास ओके okay. तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया अभी उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो मैं दो मिनट के बाद करता हूं दो मिनट के बाद करता हूं उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग को क्या दे देता है सीओ जी एस तो यहां पे जरा लिखना सीओ जी एस शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिखोगे दैट इज ऑल फाइन अच्छा मेरे को जरा बोलो हम लोगों ने कौशिक में ऊपर भी तो लिखा हुआ है कितना यूनिट्स वर सोल्ड कितना यूनिट्स वर सोल्ड सोल्ड सोल्ड, सोल्ड. 24000 क्विंटल तो यहां पे लिख लेना 24000 क्विंटल ठीक है अच्छा अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अपने को पर यूनिट लिखने का है ठीक है ध्यान से अभी जरा सुनना ये वाला जो फिगर है ना एक मिनट ये रब कर रहा हूं हां ठीक अभी मेरे को ना यहां पे 3200 क्विंटल का यहां पर अमाउंट लिखने का है अगर आपको अमाउंट लिखना है अगर आपको अमाउंट लिखने का है तो अब क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं अमाउंट दिया होना चाहिए स्टॉक्स एज ऑन स्टॉकेंड ट्वेंटी ऑफ थाउजेंड टू हंड्रेड क्विंटल्स और इधर क्वेश्चन मार्क आई क्वेश्चन मार्क आ गया तो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी तो है लेकिन अपने पास क्या नहीं है अमाउंट नहीं है तो अभी अमाउंट लेकर आओ फिर यार ओके अभी अगर अमाउंट लेकर आऊं तो अब जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूं बराबर से सुनना दिस विल मेक ऑफ सेंस टू एक बार समझ लेना पूरी जिंदगी के लिए कभी नहीं भूलोगे ये जो डेटा इधर है ना ना ये ये जो डेटा 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 इधर है 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 दो लाइन वाला ठीक ठीक इसी डेटा को मैं न, अकाउंट वाइज लिखता हूं इसलिए मैंने जानबूझ के वहां पर अकाउंट तैयार करके वो रखा हुआ था अभी जरा बराबर से सोचना ये वाला जो डेटा है इसको अभी थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं बराबर से जरा वो देखना इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे धकेल देता हूं इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे धकेल देता हूं चलो, सुन. फिनिश, उसका पर फिगर कितने का था बेटा फोर तो ये वाला फिगर देखो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तेरी कॉस्टशीट के अंदर भी तो है ना यार थाउजेंड फोर थोड़ा सा छोटा करके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे कॉलम में लिख रहा हूं सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये वाला जो डेटा है ये यही डेटा है बेटा 1600 यूनिट 1600 यूनिट पर यूनिट इज फोर अमाउंट इज कितना 6400 ठीक है अभी उसके बाद एक और चीज में लिख रहा हूं 25 600 यूनिट्स हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितने का है 4.09065 ओके मैं यहां पर बस अभी एग्जैक्टली exactly वही वाला चीज वो लिखने वाला हूं तो यहां पर आइए एट द रेट ऑफ फोर क्या मत यूज करो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ये वाला नंबर तो ऑब्वियसली अगर मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को यही वाला फिगर वो मिल जाएगा ना वन जीरो फोर सेवन टू जीरो ठीक है ना तो सोलह सो यूनिट शुरू में थे उसका कॉस्ट अपना चार रुपए का था उसके बाद ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड यूनिट हम लोगों ने और बनाए उसका कॉस्ट कितना है वन जीरो फोर सेवन टू जीरो ठीक है बराबर से जरा देखना मेरे को क्लोजिंग स्टॉक थर्टी टू हंड्रेड का वैल्यू चाहिए उसी के लिए तो मैंने ये वाला अकाउंट बनाया अब यार उसका वैल्यू कैसे मिलेगा तो बेटा एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख ले अभी डेबिट साइड पे तेरे पास कॉस्ट है कॉस्ट है एक चार रुपए का और एक ये याद रखना दोनों ही तेरे कॉस्ट है बेटा इनफैक्ट इफ यू ऑल विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम आर नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4.090625 भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है और ये जो चार रुपया है ना ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है बट दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट ईयर ओके ऑब्वियसली नो यार नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस तो अगर मैं इसी अकाउंट पर वापस आऊं चार रुपया भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है 4.090625 भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है और जरा याद करो हम लोगों ने कल एक चीज किया मेरे ख्याल से सर

इसके अंदर सारा का सारा कॉस्ट है ना बेटा तेरा 4.090625 के अंदर ये ऊपर वाले भी सारे के सारे कॉस्ट तो आए ना तुम्हारे ओके ऑल दिस कॉस्ट ओनली गिव यू 4.090625 इज दैट अंडरस्टूड बस अभी तुमको लास्ट चीज और अब मैं आंसर बोलने जा रहा हूं स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक विल गेट एट 4 और 4.090625 दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड दैट यू वॉल फॉलो

कौन से -1600, ये फिगर कितना आ जाता है ट्वेंटी फोर हंड्रेड सोलह सो ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है अभी क्या करने जा रहा हूं बराबर से जरा देखना तो जो भी आप लोगों ने यूनिट्स बेचे उसके सोलह सो यूनिट तो वो थे जो पहले के थे बाकी 22,400 टू फोर हंड्रेड वो वाले यूनिट्स थे जो इस साल के अंदर बने तो ट्वेंटी तो अगर ट्वेंटी तो अभी जरा बैलेंसिंग फिगर निकालो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड देखो ऑब्वियसलीक्वल टू योर क्लोजिंग स्टॉक में तो ये वाला फिगर 3, तो अब सब लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना अगर मैंने फीफो मेथड फॉलो किया थर्टी टू हंड्रेड विल बी आउट ऑफ विच लॉट ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड देयर फोर इट विल गेट वैल्यूड एट वट पर्टिकुलर रेट फोर पॉइंट इज दैट अंडरस्टूड चल तो क्लोजिंग स्टॉक थर्टी टू हंड्रेड यूनिट्स का होगा क्लोजिंग स्टॉक थर्टी टू हंड्रेड यूनिट्स का होगा 3200 यूनिट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है विल गेट वैल्यूड एट 4.090625 अभी अपना कैल लीजिए पॉइंट जीरो तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का आ जाएगा 13090 जीरो नाइन जीरो इज दैट अंडरस्टूड अच्छा अभी तुमको एक सॉलिड चीज बताता हूं लेकिन उससे पहले ना अपना सीओजीएस जरा निकालना सीओ जरा निकालना सीओ तो कैलसी लोज जरा सीओजीएस कैसे मिलेगा सीओपी का रुपीज फिगर प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है वन जीरो फोर सेवन टू जीरो प्लस सिक्सटी फोर हंड्रेड लेस थर्टीन जीरो नाइन जीरो आ जाएगा नाइनटी एट जीरो थ्री जीरो ये आ जाएगा 98030 ठीक है अब मेरे को एक चीज बोलना तुम लोग कहां तक पहुंच गए सीओजीए सीओजी का फुल फॉर्म क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सोल्ड तो ऑब्वियसली 98030 का पर यूनिट लाने के लिए प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड सो डिवाइड बाय ट्वेंटी फोर अभी अगर टू डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे तो चल जाएगा टू या थ्री एनीथिंग इज ऑल फाइन आई एम टेकिंग अप्री यू कैन टेक अप टू ऑल्सो ठीक है और और राउंडिंग ऑफ का रूल सब लोग को मालूम है तुमको अगर थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो फोर्थ डिजिट फाइव या उससे ज्यादा होएगा तो थर्ड डिजिट को प्लस वन कर देना एवरीबडी नोज ठीक है सुनो अभी ध्यान से रहा सुनना दो चीजें तुमको बोल रहा हूं दिमाग में रखना उनमें से एक स्पेशली जिन लोगों का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है ठीक है नाइनटी एट थाउजेंड जीरो थ्री जीरो वाला जो फिगर है ये तुम लोग को कैसे आया सर कैसे आया तो एक सेकेंड ऐसे आया सर दिस प्लस दिस माइनस दिस परफेक्ट ठीक है कोई और वैसे बताता हूं नाइनटी एट जीरो थ्री जीरो नाइनटी एट जीरो थ्री जीरो का नाइनटी एट जीरो थ्री जीरो कौन सी वाली फिगर है सीओजीएस ना सीओजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर से बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थर्ड टाइम बोलता हूँ गुड्स सोल्ड फोर्थ टाइम बोलता हूँ जो गुड्स बिके उसका कॉस्ट जो गुड्स बिके उसका कॉस्ट तो अब अपना ये वाला अकाउंट देखो तुमको समझ में आ जाएगा जो गुड्स बिके सर ये वाले गुड्स बिके ना ट्वेंटी फोर थाउजेंड उसका कॉस्ट ही निकाला ना हम लोगों ने तो उसके अंदर से सोलह सो यूनिट का जो कॉस्ट था वो कितने का था फोर और 22400 का जो कॉस्ट था वो कितना था 4.090625 तो अभी अगर आपको 98030 वाला फिगर टेस्ट करने का है सब लोग अपना कैलकुसी लो 1600 4 करना 22400 4.090625 करना जो दो नंबर्स आए उनको ऐड करना और वो वाला नंबर 98030 आ जाएगा टेस्ट करो और मेरे को एक बार बता देना यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड जो भी गुड्स बिके वो ये हैं उसका ब्रेकअप ये है उसके अंदर से 1600 सो यूनिट का कॉस्ट चार है और बाकी जो कॉस्ट है जो बाकी यूनिट है उसका कॉस्ट फोर पॉइंट जीरो अपना तो नाइनटी एट थाउजेंड जीरो ऐसे भी आ जाता है ओके okay, ऑल्दो तुम लोग वही कर रहा तुम लोग एग्जाम्स के ना अपने पास इतना टाइम नहीं है टू बी मेकिंग द अकाउंट और समथिंग ओके तुम लोग डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करके आंसर ले आना ठीक है अभी कुछ तुमको बोल रहा हूं अगर कभी फीफो मेथड फॉलो करोगे ना तो तुमको एक चीज मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था क्या अगर फीफो मेथड फॉलो करोगे 99% 3200, मतलब क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर का प्रोडक्शन ठीक है थर्टी टू हंड्रेड विल बी आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो इन दिस पर्टिकुलर केस यही वाला फिगर अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए भी यूज हो जाएगा तो आप लोग फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हो आई आई एम एम राइटिंग शोइंग इन पिंक ये वाला नंबर इधर लिखो पहले क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसी के अंदर से होगा. 3200 से होगा मल्टीप्लाई करो उसको और ये वाला फिगर ले आना ठीक है तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा भी कर सकते हो अगर फीफो मेथड फॉलो करोगे तो ठीक है अभी रेड पेन पर आ रहा हूं सुन तेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट मैंने यहां पर ब्रैकेट डाला था सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट तेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट होता है और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक खत्म हो जाता है, Now, जब आया, sheet, है? ये वाला जो है ना जब सीओजीएस चीजें हैं वो डाल देना सीओजीएस के बाद क्या आता है बेटा एट इस क्वेश्चन के अंदर शायद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही नहीं क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन था ठीक है तो उसके बाद यहां पर और क्या आ जाता है एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट एक ना एंड सेलिंग कॉस्ट फोर जीरो पर क्विंटल तो उन लोगों ने इसके इसके तुमको पर यूनिट दिया हुआ है तो यहां पर लिख लेना एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग एस एन डी भी लिख सकते हो वो चल जाएगा एस एन डी ओवर ठीक है तो एस एनडी ओवर पर्टिकुलर केस उन्होंने क्या लिखा इट इज पॉइंट फोर जीरो पर क्विंटल इट इज पॉइंट फोर जीरो पर क्विंटल ठीक है आ, बराबर से अभी जरा सुनो बराबर से अभी जरा सुनो अभी ये जो पॉइंट फोर जीरो है बेटा ये तो पर यूनिट है तुमको तो टोटल चाहिए अगर तुम लोग को टोटल चाहिए तो इन दैट पर्टिकुलर केस मल्टीप्लाई बाय सम क्वांटिटी सब लोग को जरा बोलना ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यू एव रिच थर्ड पार्ट ऑफ योर कॉस्टशीट आप लोग अभी थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्टशीट के अंदर हो इस थर्ड पार्ट के अंदर एवरीथिंग विल गेट डिवाइडेड बाय विच पर्टिकुलर क्वांटिटी सर क्वांटिटी सोल्ड एस एंडी ओवर हेडस विल डिपेंड अपॉन क्वांटिटी सोल्ड नो तो अगर अभी तुम्हारे पास पर यूनिट है पर यूनिट का टोटल लाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई नो बाय क्वांटिटी सोल्ड तो क्वांटिटी सोल्ड कितना था ट्वेंटी फोर थाउजेंड अपना कैल्सिलो ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन पॉइंट फोर तो ये वाला फिगर आ जाएगा नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस नाइनटी 107630. अच्छा सुनो। मैं मैं तुमको तुमको बोला था कि मैं तुमको दो चीज बताएगा लेकिन मैं तुमको एक ही चीज बताया दूसरा चीज उन लोग लोग के लिए जो लोगों से दिस प्लस दिस माइनस दिस विल यू दिस ओके राइट हैंड साइड पर ये जो तुम लोगों ने लिखा है ना बेटा दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ पर यूनिट ओके थिंग्स विल नॉट बी टैलिंग ओके तो इसके लिए ये वाला जो फिगर है ना इसको लाने के लिए एक ही मेथड होता है एंड दैट इज दिस फिगर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड और यहां पे दिस प्लस दिस माइनस दिस करोगे तो वो वाला आंसर नहीं आएगा ठीक है क्योंकि वो बस पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है वो बस पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है ठीक है तो उसको एडलेस करके ये वाला जो आंसर है वो कभी भी नहीं आएगा तो आपको ये आंसर लाने के लिए हमेशा पहले ये वाला फिगर लाना डिवाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड कर देना तो आंसर आ जाएगा हां अभी उसके बाद एक चीज कर सकते हो वो तुम्हारी मर्जी ये वाला पर यूनिट वो लाने के लिए या इन दोनों को ऐड कर लो ओके okay. या फिर फिर से इसको क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर लेना ओके सो दे फोर वन जीरो सेवन सिक्स थ्री जीरो मेरे कैलसी पे है डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो ये आ जाएगा फोर पॉइंट फोर एट फाइव ठीक है चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया बस अभी लास्ट टू लाइंस और काम खत्म हो जाएगा एड प्रॉफिट गेट सेव जो तुम्हारा सेल्स है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इधर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा सब लोग मेरे को जरा बोलना वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का सेल्स करके भाई तूने कितना यूनिट्स बेचा है कितना यूनिट्स बेचा है सर ट्वेंटी फोर थाउजेंड यूनिट बेचा है तो कैंसिल हो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये जो पांच रुपया मैं इधर लिख रहा हूं ना भाई ये तेरा कॉस्ट नहीं है ये तो रेवेन्यू का आइटम है दिस इज योर सेलिंग प्राइस दिस इज योर सेलिंग प्राइस ठीक है बस अपना जॉब इज ऑल टूगेदर डन ओवर हियर अभी अपना जो प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन जीरो सेवन सिक्स थ्री जीरो तो ये आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी उसके बाद फाइव माइनस फोर पॉइंट फोर एट फाइव तो ये आ जाएगा पॉइंट फाइव वन फाइव अगर चाहो इस फिगर को फिर से क्वांटिटी सोर से डिवाइड कर सकते हो 12,370 डिवाइडेड बाय 24,000 थाउजेंड तो थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी डिवाइडेड बाई आ जाएगा ठीक okay, इससे तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है ठीक है बस एक रिमाइंडर मैं दे देता हूं खासकर पर यूनिट निकालने के लिए रोमन नंबर वन के अंदर एवरीथिंग शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू इस क्वेश्चन के ना डब्ल्यू का क्वांटिटीज नहीं था इसलिए हम लोग पर यूनिट नहीं निकाल सका ठीक है उसके बाद ये जो एक डमी बीच में पार्ट आता है जहां पे हम लोग डब्ल्यू आईपी का स्टॉक्स वगैरह वो लिखता है ठीक है इनका पर यूनिट लाने के लिए मेरे पास डब्लूआईपी का क्वांटिटीज होना चाहिए था जो नहीं था इसलिए इसका भी पर यूनिट नहीं निकाला उसके बाद ये वाला अपना सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट स्टार्ट हुआ सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्टशीट इस सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर ऑब्वियसली वी आर ओनली डीलिंग विद द कॉस्ट ऑफ फिश गुड्स प्रोड्यूस क्योंकि डब्ल्यू आईपी तो पीछे रह गया पर यूनिट लाने के लिए हम लोगों ने क्वानिटी प्रोड्यूस से क्वानिटी की जरूरत थी जो था ना हमारे पास ठीक है इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो पर यूनिट है वो तो हम ही लोगों ने वो निकाला बेस्ड अपॉन फीफो में था ठीक है और उसके बाद यहां ऑनवर्ड्स एवरीथिंग शुड ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सोल्ड अपने पास क्वांटिटी सोल्ड था तो हम लोगों ने वो वाला काम कर लिया ठीक है तुम्हारा जो है, है? ठीक अभी उसके बाद अपना पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया अभी पांच सेकंड Also शो द valuation ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स इफ कंपनी follows weighted एवरेज एंड नीफो मेथड चलो ठीक है तो अभी तुम्हारा पार्ट टू स्टार्ट होगा तुम्हारा एक पेज का कॉशिट गया था तुम्हारा एक पेज का तुम्हारे पास अभी तक शायद काफी लाइंस वगैरह वो पेंडिंग हुएगी ओके तो अभी उसी पेज पे बाकी लाइंस जो हैं वो रब कर दो और अभी लिखने का पार्ट टू दिस इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेरे को इन ऑल पांच छह लाइन्स ही चाहिए उतना आपके पास मेरे ख्याल से है सुनो फीफो मेथड हम लोगों ने ऊपर दिखा दिया तो अभी सामने अपने को पहले कौन सा मेथड बोला है वेटेड एवरेज यहां पे आप लोग वैम लिख देना दैट्स ओके वेटेड एवरेज मेथड अच्छा वेटेड एवरेज मेथड यू ऑल हैव डन ईयर बिफोर कैसे सुन। अभी ना तुमको एक चीज बहुत काम में आएगा ये जो मैंने तुम लोग को explanation ही दिया था ना ये ट्रेडिंग अकाउंट का ये वाला explanation तुम को बहुत काम में आएगा लेकिन एक चीज मेरे को रब करना पड़ेगा ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे ब्लू के अंदर लिखा हुआ है ना दिस वॉज बेस्ड अपॉन फीफो मेथड ठीक है अभी मेरे को फीफो मेथड नहीं सिखाना ठीक है मेरे को यहां पर बाइफरकेशन वो तो फीफो मेथड के हिसाब से था अभी मेरे को तुम लोगों को यहां पर मेथड कौन सा सिखाना है वेटेड एवरेज मेथड ठीक है तो अपना 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक कोई भी क्वेश्चन किया जरा याद कर लो वेटेड एवरेज मेथड वही कर रहा है वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है भाई 1600 यूनिट का कॉस्ट 6400 था 25 600 यूनिट्स का कॉस्ट 104720 था तू क्या कर 4 और 4.090625 का पहले तू वेटेड एवरेज निकाल वेटेड एवरेज मतलब सिंपल एवरेज नहीं होता वेटेड एवरेज मतलब वेटेड एवरेज ही होता है वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके यही फिगर्स तो आती हैं तो उसके बाद वेटेड एवरेज आप लोग कैसे निकालते हो टोटल ऑफ द अमाउंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द क्वांटिटीज तो मैं कैलकु लिया 6400 प्लस 104720 ये वाला चीज आ जाता है 1117 111120 चार टाइम्स वन टू जीरो अभी हमारा एक स्टूडेंट था तो बहुत आ, पहले की बात तो क्लास के अंदर तो ऑब्वियसली आया लाइक यू नो इसका टोटल वो कितना आया बोलता है चौपन वन टू जीरो मेरे को दो मिनट तक तो वो समझ भी नहीं आया कि चौपन वन चौपन वन टू जीरो का मतलब क्या होएगा बट देन आई रियलाइज चलो अभी आगे चलते, आगे चलते हैं वन 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 टू बाई ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टेक अपटिल थ्री डेसिमल्स फोर पॉइंट जीरो एट फाइव फोर पॉइंट जीरो एट फाइव ठीक है चलिए तो दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट तो पहले ना आप लोगों ने यहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट यहां पे आप लोगों ने वैम वो लिखा है अभी नेक्स्ट साइन पे जरा लिखना वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस वन जीरो फोर सेवन टू जीरो डिवाइडेड बाय उनका क्वांटिटी सिक्सटीन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो ये आ गया फोर पॉइंट जीरो एट फाइव तो अगर वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो यहां पर फोर पॉइंट जीरो नाइन जीरो सिक्स टू फाइव के बदले में क्या आ जाता है फोर पॉइंट जीरो एट फाइव तो फिर तुम्हारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो लाने के लिए तुमको 3200 से मल्टीप्लाई वो करना पड़ता ना तो यहां पे लिखो टोटल 4.085 पॉइंट जीरो एट तो 4.085 पॉइंट जीरो इज इक्वल टू रूपीज वन ठीक है तो अगर तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड होता वेटेड एवरेज मेथड होता तो 13090 के बदले में 13072 आता और नीचे के सारे आंसर तुम्हारा जो सीओ जी एस है वो बदल जाता सीओ एस है वो बदल जाता प्रॉफिट जो है वो बदल जाता बिफोर आई फिनिश ऑफ दिस अबाउट द वेटेड एवरेज मेथड एक लास्ट चीज देखो अगर मैं तुम लोग को ये वाला अकाउंट फिर से दिखाऊं तो बेसिकली वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है कि ना वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है दिस पर्टिक्युलर केस सोलह सौ यूनिट फोर सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स जीरो चाहे लास्ट ईयर के यूनिट्स हो चाहे इस साल के यूनिट्स हो वी विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इन टू बेटेड एवरेज कॉस्ट तो हम लोगों ने दोनों का एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लिया फोर पॉइंट जीरो एट फाइव उसके बाद ना ऐसा सोचो जस्ट फॉर वेटेड एवरेज मेथड ठीक है ये वाला चीज है ही नहीं बेटा कभी ये वाला चीज कभी है ही नहीं ओके क्यों क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन कॉस्ट दैट कॉमन कॉस्ट इज 4.085 ओके बस अभी जरा ध्यान से सुनना अभी तुमको समझ में आएगा अभी तुम्हारे पास दो अलग अलग कॉस्ट है ही नहीं तुम्हारे पास यहां पे एक ही कॉस्ट है और वो एक कॉस्ट कितना है 4.085 जो यूनिट्स बिका उसका भी कॉस्ट 4.085 आगे बोलो तुम लोग जो यूनिट्स नहीं भी बिका बोले तो क्लोजिंग स्टॉक ना यार उसका भी कॉस्ट कितना 4.085 तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक हो गया तुम्हारा अभी अभी कर 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 रहा क्योंकि क्योंकि मेरे को यहां पे लीफो पर जाने का है है ठीक ये भी कर देता हूं और भी कर देता देता और अब मेरे को तुम लोग लीफो मेथड सिखाने का है तो क्या करो पहले वीटेड एवरेज मेथड वो हो गया मेरे को उसके बाद दो ही लाइन चाहिए बेटा बस यहां पे लिखना लीफो अच्छा अभी लीफो जो है वो तुम लोग को वो मालूम ही है यार जस्ट आई एम ट्राइंग टू डू द फॉर्मेलिटी लीफो मेथड क्या बोलता है जो दुनिया में बाद में आया तो वो पहले गया तो मेरे को जरा बोलो बाद में क्या आया 1600 सो के 25 600 और मेरे को एक तो ये वाले टोटल्स की अभी कोई जरूरत ही नहीं है छोड़ देते हैं इसको ठीक है मेरे को बोलो बाद में कौन से यूनिट्स आए सिक्सटीन के ट्वेंटी 25600 तो पहले वो बिक गए लेकिन बिके तो सिर्फ 24000 ठीक है तो 25600 के अंदर से कितने यूनिट्स बिक गए 24000 तो बाकी जो हैं अभी तक नहीं बिके वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक तो 3200 था अब जरा सोच 3200 के अंदर से 1600 यूनिट्स तो इसी पीरियड के अंदर से हैं तो बाकी 1600 किसके अंदर से होंगे ओपनिंग स्टॉक के अंदर से तो 3200 का दो पार्ट है 1600 1600 ये 1600 जो ओपनिंग स्टॉक वाले हैं उसका कॉस्ट कितना है 4 और ये जो 1600 वाले हैं इसका कॉस्ट कितना है बेटा 4.090625 तो अगर कोई बोलेगा कि फिफो के बदले में लीफो मेथड फॉलो करो तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक का दो पार्ट हो जाएगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का दो पार्ट हो जाएगा अभी तुम लोग जरा लिखना उसकेन से 1600 यूनिट का कॉस्ट कितने का था 4 उसके बाद बाकी 1600 सो यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है 4.090625 1600 जीरो दोनों कंप्यूट करके कैल्सिकड के ऊपर ऐड करो 12,945 तो अगर लीफो मेथड होता देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल बी देंसर आज सच ठीक है इसके साथ तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया दिस इज ऑल डन कंप्लीटली फ्रॉम आर साइड दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर वन हाई स्टूडेंट जस्ट बिफोर यू थॉट दैट वी आर एंडिंग सो टाइम फॉर आस टू बी हैविंग शॉर्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट्स इन शॉर्ट्स ओके तो इसके लिए मैंने यहां पर ये वाला सिंबल भी वो डाला हुआ है जो शॉर्ट क्लासेस का होता है ओके okay. सो so, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा हर क्वेश्चन के अंदर वट एवर आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट यू ऑल टू बी नोइंग वो वाली चीज इस फॉर्मेट के अंदर होगा ओके एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टिल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ए एंटायर बुक जब आप लोग लास्ट डे रिविजन कर रहे हो सिर्फ आप लोग ये शॉर्ट्स भी देख लोगे इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सब कुछ याद आ जाएगा दैट यू ऑल हैव डन विद मी सब कुछ इमिजिएटली आप लोग को याद आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर वन ऑफ शीट के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा क्या सीखा वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ऑल क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक सामने कुछ नहीं बोला है देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू बी यूजिंग फीफो में थर्ड उसके बाद थर्ड चेक एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट इस क्वेश्चन को दिया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कोई ऐसा पूछ सकता है सर अगर नहीं दिया हुआ तो अगर नहीं दिया हुआ तो फिर अजम्पन मारना दट वी एज्यूम दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एट्स गिवन इन द प्रॉब आर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और फिर वो ऊपर नहीं आएगा वो एस के साथ आ जाएगा ठीक है वो एक डिफॉल्ट अजम्पन याद रखना अगर सम के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ तो दिस वॉज द केस स्टडी शॉर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेलकम टू द टिप ऑफ द डे हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड

कई लोग एट आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाउ गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस इज इट इज ऑल अबाउट वॉट योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बी स्टार्टिंग जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके करो इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन लाइफ इन ट्राइंग टू इंप्रूव योर सेल्फ एट आवर्स कट योअर सेल्फ आउट फ्रॉम मेनी थिंग्स अगर आप एट आवर्स का टारगेट रखे हुए हो तो एट आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है कीप ऑल दो ऑल्साइट इट इज एट आवर्स दैट यू आर टू बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे इफ यू आर टू बी गिविंग फॉर एट आवर्स मोर द बेटर लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो स्टडी इन वाइजर वे जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ऑनेस्टली फॉर मी एट टू टेन आवर्स इज मोर देन अफ फॉर यूर टू बी गेटिंग अ रैंक ऑल्सो इट्स ओनली दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग दोज एट टू टेन आवर्स विदाउट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट द डाउट्स यू आर नॉट कीपिंग योर फोन विद यू एंड ट्राइंग टू हैव द डिस्ट्रैक्शन तो एट आवर्स टू टेन आवर्स कंटिन्यूअसली या फिर इन ब्रेक्स वट एवर योर माइंड अलाउस लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो दैट शुड बी सफिशियंट दिस इज माई फर्स्ट टिप ऑफ द डे दिस टिप यूजअली इज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए दिस इज आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स थैंक यू गाइज आई सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर टू